Hello guys and welcome back to another fresh episode of your favorite show about gadgets. Guys, you know the answer. It's Gadgets 360 with Technical Guruji. This episode is very special. Uska ek reason hai, and the reason is what you see right behind me, guys. This is the Steve Jobs Theater at the Apple Park, and I am standing right in front kyunki I am here for the Apple's annual developers event, which is worldwide developers conference. Is bar bahut kuch naya naya Apple announce kar diya hai. Saath mein is episode mein aapko batane wala hu kuch interesting tips aur aapke sawalon ke jawab bhi dunga. Basically compiling everything just for you. Har episode ki tarah is bar bhi bahut maza aane wala hai. Let's see what we have straight from the headquarters of Apple in this week's episode. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, एके टेक्निकल गुरुजी. यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी. तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, as always, let's just start with every, you know, episode's basic ritual जो हमको हर बार करना पड़ता है, because the world of gadgets is, let me tell you, moving very, very fast. तो एक बार एक quick recap लेते हैं, just to know what all happened in the past week in this section, news of the week. In a significant update for Pixel users, Google's June 2024 feature drop rollout कर रहा है Pixel 8 and Pixel 8a के लिए several key features जो user experience को enhance करने वाले हैं. Gemini Nano, Google's experimental conversational AI model, अब as a developer option available है on these devices. Find My Device feature अब allow करता है tracking of the Pixel 8 series even when powered off or with a dead battery. Users अपने devices को connect भी कर सकते हैं to larger displays via USB-C for an enhanced viewing experience. The update packed with these features is being released in phases to all supported Pixel devices running Android 14, promising a more seamless and efficient user journey. CMF ने अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली अपने पहले स्मार्टफोन CMF 1 को टीज किया है, और Nothing ने अपने X हैंडल पे 15 सेकंड टीजर वीडियो शेयर किया है टाइटल Reinventing the Wheel, जो उनके स्मार्ट डायल को रेफर करता है. वीडियो में तीन रोटेटिंग डायल्स दिखाए गए हैं. पहला डायल CMF Phone 1 का लगता है, और बाकी दो डायल CMF Buds 2 और CMF Watch Pro 2 के हो सकते हैं. Xiaomi ने इंडिया में लॉन्च किया अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 14 CV. ये फोन Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चलता है, और Leica ब्रांडेड 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास के साथ आता है. कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर हैं. फ्रंट में दो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरास भी हैं. ये क्रूज ब्लू, माचा ग्रीन और शेडो ब्लैक कलर्स में अवेलेबल होगा. ब्रेकिंग न्यूज फॉर गेमर्स, ब्लैक ऑप्स 6 हैज ऑफिशियली बीन रिवील्ड. डेवलप्ड बाय ट्रियार्च एंड रेवन सॉफ्टवेयर, ये कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉलमेंट एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है सेट इन द अर्ली 90s, कोल्ड वॉर के एकदम बाद. एक्सपेक्ट करिए एक माइंड बेंडिंग नैरेटिव, ट्विस्ट्स एंड टर्न से भरा हुआ. इन द कैंपेन यू विल डाइव इनटू अ सीक्रेट कंस्पिरेसी वेयर अ शैडोई फोर्स हैज इन्फिल्ट्रेटेड द यूएस गवर्नमेंट. ब्रांडेड एज अ ट्रेटर, यू विल हैव टू गो रोग एंड फाइट द वेरी मशीन दैट क्रिएटेड यू. इसके इंटेंस स्टोरीलाइन और साइकोलॉजिकल रेवलेशंस के साथ ब्लैक ऑप्स 6 प्रॉमिस करता है टू डिलीवर द सिग्नेचर ब्लैक ऑप्स एक्सपीरियंस. फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द टॉप स्टोरी दिस वीक, यू नो व्हाई आई एम हियर. जो मेरा बैज है इस पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, WWDC 24. दिस इज एप्पल्स वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस. और ये जो एप्पल का एनुअल इवेंट होता है ना, यहाँ पे वी ऑलवेज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल द iOS 18, मे बी द लेटेस्ट मैक ओएस, द लेटेस्ट वॉच ओएस, द लेटेस्ट आईपैड ओएस, टीवी ओएस, न्यू फीचर्स टू एयरपॉड्स, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें एप्पल हर साल अनाउंस करता है अपने इसी जून इवेंट में. एंड गाइस, दिस टाइम दिस इवेंट वॉज अ पावर पैक्ड वन, बिकॉज हमको सब नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में जानने को तो मिला ही, बट द सेम टाइम वी गॉट वन मोर थिंग विच इज AI. एंड AI हियर स्टैंड्स फॉर एप्पल इंटेलिजेंस, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एप्पल ने इसको एक नया टर्म दिया है एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी अप क्लोज एक एक करके कि आखिर जो नए नए सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं उसमें एप्पल की तरफ से अभी आपको क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं. इस साल के WWDC कीनोट में रिवील किया गया एप्पल इंटेलिजेंस, एक पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम जो जेनरेटिव मॉडल्स की पावर को यूजर्स के पर्सनल कॉन्टेंट के साथ कंबाइन करता है, और ये आपको ऐसी इंटेलिजेंस देगा जो काफी यूजफुल और रेलेवेंट होती है.
iOS 18, iPad OS 18, Mac OS Sequoia और Watch OS 11 में भी मेजर अपडेट्स आए हैं। iOS 18 के साथ यूजर्स अब अपने होम स्क्रीन पर एप्स और विजेट्स को भी किसी ओपन स्पेस में अरेंज कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बॉटम में बटन्स को कस्टमाइज करना और कंट्रोल सेंटर में ज्यादा कंट्रोल्स को क्विकली एक्सेस करना भी अब पॉसिबल है। द फोटोज ऐप हैज गॉट इट्स बिगेस्ट रीडिजाइन एवर, जिसमें फोटो लाइब्रेरीज को ऑटोमेटिकली एक न्यू सिंगल व्यू में ऑर्गेनाइज किया जाता है और हेल्पफुल न्यू कलेक्शंस फेवरेट फोटोज को इजीली एक्सेसिबल रखते हैं। आई मैसेज में भी ऑल न्यू टेक्स्ट इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो किसी भी लेटर, वर्ड, फ्रेज या इमोजी को डायनामिक एनिमेटेड अपीयरेंसेस के साथ एम्पलीफाई करते हैं और कॉन्वर्सेशंस को ट्रूली अलाइव बना देते हैं। यूजर्स अब मैसेजेस ऐप के थ्रू सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे सेलुलर या वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल हो या ना हो। मैक ओएस सिकोया के साथ आईफोन और मैक के बीच कंटिन्यूटी और भी बेहतर हो गई है आईफोन मिररिंग के साथ, जो मैक से डायरेक्टली आईफोन का फुल एक्सेस और कंट्रोल देगा। सफारी में एक और बड़ा अपडेट आया है नए हाइलाइट्स फीचर के साथ, जो वेब पेजेस पर ब्राउजिंग के टाइम एफर्टलेस इन्फॉर्मेशन डिस्कवरी को एनेबल करता है। गेमिंग अब और भी इमर्सिव हो गई है पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो के साथ, जो प्लेयर्स को एक्शन के बीच में डाल देती है। एंड नाउ वी also get to see gaming mode. Apple Intelligence unlocks new ways जिससे Mac users अपनी writing को enhance कर सकते हैं और effectively communicate कर सकते हैं। Seconds में playful images create कर सकते हैं and lots more. Apple Intelligence Apple Silicon और उसके neural engine के full power का फायदा उठाता है और Mac जो M series chips के साथ आता है, they will get the Apple Intelligence upgrade. Watch OS 11 ले आता है powerful health and fitness insights and much more personalizations. The new Vitals app key health metrics और context दिखाता है, training load measure करने की ability वर्कआउट को एक गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस बना देता है। एंड नाउ द पॉपुलर एक्टिविटी रिंग्स और भी ज्यादा कस्टमाइजेबल हो गई हैं। स्मार्ट स्टैक और फोटोज फेस इंटेलिजेंस यूज करके ज्यादा इंडिविजुअलाइजेशन फीचर्स करते हैं और एप्पल वॉच और हेल्थ ऐप आईफोन और आईपैड पर प्रेग्नेंट यूजर्स के लिए एडिशनल सपोर्ट भी देते हैं। चेक इन, ट्रांसलेट ऐप और डबल टैप जेस्चर्स के नए कैपेबिलिटीज एप्पल वॉच पर कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस को और आगे ले जाते हैं। जस्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ इट्स रिलीज, विजन ओएस 2 लेकर आया है मोर पावरफुल स्पेशल कंप्यूटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर द एप्पल विजन प्रो, जिसमें यूजर्स को अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल इमेजेस से स्पेशल फोटोज क्रिएट करने का एक नया फीचर मिलता है। इंटुइटिव हैंड जेस्चर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक नजर में इजिली एक्सेस करने का मौका मिलता है और मैक वर्चुअल डिस्प्ले, ट्रैवल मोड और गेस्ट यूजर के लिए नए फीचर्स अवेलेबल हो गए हैं। विजन ओएस 2 में शेयर प्ले फॉर फोटोज और टीवी ऐप में भी मल्टी व्यू जैसे एक्साइटिंग न्यू कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। टीवी ओएस 18 के साथ इंटेलिजेंट न्यू फीचर्स जैसे इनसाइट और एनहांस डायलॉग और सबटाइटल्स के अपडेट्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। होम ऐप को iOS 18 के साथ नए फीचर्स मिलते हैं, जैसे गेस्ट एक्सेस और हैंड्स फ्री अनलॉक विद होम कीज, जो घर तक एफर्टलेस और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। एयरपॉड सॉफ्टवेयर अपडेट्स यूजर्स के उस तरीके को ट्रांसफॉर्म कर देंगे जिससे वो सिरी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ कॉल करते हैं और अपने फेवरेट गेम्स में फुली इमर्स हो जाते हैं। गाइस, स्पीकिंग ऑफ ऑल दीज न्यू सॉफ्टवेयर्स, आई मीन आपने देख लिया कि क्या क्या नए फीचर्स आ गए हैं इन द लेटेस्ट iOS, द न्यू मैक ओएस सिकोया, द न्यू आईपैड ओएस, एप्पल वॉच कैसे और स्मार्ट हुए, ये सब बातें तो हैं, बट गाइस देयर इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच इज एप्पल इंटेलिजेंस, एके AI, and how Apple is trying to make all its devices work in a smarter way, जहाँ पे वो आपके लिए कुछ अच्छे तरीके से काम करते हैं, in a way enhancing your lifestyle, और आपको देते हैं बहुत सारे ऐसे experiences जहाँ पे आपको लगता है कि yes, the phone or your laptop is really smart. तो let's see up close what's Apple's take in this world of AI with Apple Intelligence, and उसमें क्या-क्या नए-नए features हमको मिले हैं, quite interesting. Approach to be honest, because there are many things which are done on device and then there are a few things jo hoti hain cloud mein, but uske liye bhi Apple's got the latest, I mean a very unique approach of private cloud compute, because yahan pe guys privacy is one of the most important pillars that Apple has established in the field of all personal computing devices, aur AI ke field mein bhi privacy Apple ki taraf se is like really up there, and Apple is trying to build everything from ground up while privacy is really at the center of it. तो एक बार हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में what exactly is this Apple Intelligence all about, और ये आपके फोन को जो आप नॉर्मल यूज करते हैं उसके एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस करने वाला है। Apple
एप्पल इंटेलिजेंस एप्पल सिलिकॉन के पावर को हार्नेस करता है लैंग्वेजेस और इमेजेस को समझने और क्रिएट करने के लिए, एप्स के बीच एक्शन लेने के लिए और यूजर्स के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से ड्रॉ करके एवरीडे टास्क को सिंप्लीफाई और एक्सेलरेट करने के लिए। एप्पल इंटेलिजेंस को iOS 18, iPad OS 18 और Mac OS Sequoia में काफी डीपली इंटीग्रेट किया गया है। इसका एक कॉर्नर स्टोर ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग है जो यूजर्स के डेटा को कलेक्ट किए बिना पर्सनल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट AI में प्राइवेसी का एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है जिसमें ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग और डेडिकेटेड एप्पल सिलिकॉन सर्वर्स पर चलने वाले लार्जर सर्वर बेस्ड मॉडल्स के बीच कंप्यूटेशनल कैपेसिटी को फ्लेक्स और स्केल करने की कैपेबिलिटी होती है। So guys, there you have it, everything that Apple announced right at this Apple Park. And जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, एक अलग ही vibe होती है. I mean, this entire setup is huge. काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी positive, काफ़ी energetic feel होता है. वैसे इसी से मेरे को एक बात याद आती है guys, because we are talking about this developers conference. Did you know that when the first iPhone came in the year 2007, उसमें कोई App Store नहीं था. जी हाँ, देर वॉज नो ऐप स्टोर व्हाट्सोएवर. आपके पास में वही ऐप्स थी जो एप्पल ने फोन में इंस्टॉल करके दी थी. इवेंचुअली अगले साल ऐप स्टोर का जन्म हुआ एंड वी आई मीन टुडे ऑल नो दैट हाउ पॉपुलर दिस ऐप स्टोर इज. और आपको कोई भी लेटेस्ट ऐप अगर यूज करनी होती है, एप्पल्स गॉट ऑल द ऐप्स इन देयर ऐप स्टोर. इनफैक्ट काफ़ी ऐप्स तो ऐसी हैं जो सबसे पहले ऐप स्टोर पर आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम केम ऑन टू द ऐप स्टोर फर्स्ट बिफोर इट केम टू एंड्रॉयड. लेकिन सोच के देखो कि 2007 में जो पहला आईफोन आया था, देयर वाज नो ऐप स्टोर. गाइस, डू यू नो दिस? इफ यस देन अमेजिंग, इफ नो देन प्लीज लेट मी नो बाय ड्रॉपिंग इन ऑल योर ईमेल्स. यू नो द एड्रेस, इट्स tg@ndv.com. मैं देखता हूँ कि आखिर आपको ये फैक्ट पता है या नहीं, या फिर कुछ और अगर कहना है ना, यू कैन जस्ट राइट योर ईमेल्स. बाय द वे, मैं आपसे मिलता हूँ अभी ब्रेक के बाद, बिकॉज एपिसोड में अभी तो केवल शुरुआत हुई है. आई हैव गॉट वन अमेजिंग टेक टिप फॉर यू एंड ऑल्सो विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हेलो गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मेरा नाम है गौरव, AKA TG, और आप देख रहे हैं गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. गाइज, दिस इज द शो जहां पे आपको मिलती है ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको पॉसिबली चाहिए या कई बार नहीं भी चाहिए. मैं आपको एक्स्ट्रा में बहुत कुछ दे देता हूं फ्रॉम द फील्ड ऑफ गैजेट्स. एंड दिस वीक I am in Cupertino, California, sitting right, you know, in front of the Apple Steve Jobs Theater. और यहाँ से मैंने आपको बताया अभी ब्रेक से पहले that what all Apple announced in their latest event, which is the WWDC, जहाँ पे नया iOS, नया Mac OS, the new Watch OS, in fact, all new Apple Intelligence, वो भी आ चुका है. But अभी इट्स टाइम टू गिव यू सम इंटरेस्टिंग टिप, बिकॉज सी, हमारे मोबाइल फोन्स जितने स्मार्ट हो जाएं, समटाइम्स गाइस देयर इज दिस फियर ऑफ, यू नो, जब आप फोन देते हो किसी के हाथ में, अगर किसी ने आपसे फोन मांगा है फॉर जस्ट टू डू अ बेसिक टास्क, हो सकता है यू आर ट्राइंग टू शो समवन अ फोटो इन योर गैलरी और आपको डर लगता है कि दिस पर्सन माइट स्वाइप राइट एंड लेफ्ट, और लाइक यू नो, समटाइम्स यू वांट टू कीप आवर पर्सनल लाइफ्स पर्सनल टू अस. लेकिन जब आप फोन किसी के हाथ में देते हैं, चांसेस आर कि किसी का मैसेज आ जाएगा तो अचानक से पॉपअप आ जाएगा सामने, एंड आई मीन यू डोंट नो कि क्या उस मैसेज में होगा. गाइस, आई हैव अ टिप फॉर यू, एंड द सिंपल टिप इज यू कैन टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन प्रीव्यूज. तो वहां पे वो जो मैसेज का कंटेंट है वो लिखा हुआ नहीं आएगा. मे बी लेट्स से इफ इट्स अ व्हाट्सएप मैसेज, इट विल जस्ट शो वन न्यू मैसेज. इट वोंट शो कि मैसेज किसने भेजा है या मैसेज के अंदर क्या लिखा है. गाइस, प्लीज गो ऑन टू योर सेटिंग्स, वहां पे यू कैन इजीली ट्वीक टू टर्न ऑफ द मैसेज प्रीव्यूज. काफ़ी लाइफ आसान हो जाएगी, और इनफैक्ट काफ़ी लोग जो कई बार एम्बैरस हो जाते हैं, उनको ऐसे एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा अगर मैसेज सामने कहीं पॉपअप हो जाए. कैसी लगी ये टिप बताना ज़रूर, और क्या आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो करना यूज़ शुरू कर दो, और शेयर करो इस टिप को उन सभी लोगों के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Okay, so guys, there we have it. Now, this is the best and my personal favorite section. आपको पता है, it's called Ask TG, and यहाँ पे my responsibility is to answer all your questions, जो भी आपने पूछे होते हैं अलग अलग अपने gadgets के बारे में. I'll give you all the answers. Let's see the kind of questions we have for this week's episode.
I mean, okay, I'll give you a very basic answer, brother, which is to just go and check into the sync settings of your phone. Agar aap jab S7 use kar rahe the, us time pe sab kuch sync ho raha tha, and now you have moved to S21 and it's not working, aap apne phone ki settings mein jaiye, wahan pe aapka jo bhi particular account hai, for example, if it's Outlook or maybe it's the Google account, us pe tap karne ke baad mein aap dekh sakte hain ki kya-kya cheezein sync ho rahi hain ya kya-kya cheezein sync nahin ho rahi hain. It's very easy. Maybe it's off. वहाँ पे वो sync नहीं हो रहा है and that's the reason कि आपको अपने Outlook account में आपके जो contacts वगैरह हैं या calendar जो details वगैरह हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं. तो just turn on that sync and उसके बाद में आपका जो mobile phone का जो भी content है वो easily sync हो जाएगा with your Outlook. Do home appliances stop working or trip in peak summers due to heat? Is it a cause of concern when this happens? See, yes, it depends because sometimes if you talk about excessive heating, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा temperature बढ़ चुका है और आप जानते हैं कि कोई भी अगर appliance होगा while it's working, वहाँ पे भी आपको temperature बढ़ता हुआ दिखाई देता है. And let's say you talk about an air conditioner, जहाँ पे एक outdoor unit है, वो already धूप में है, बहुत ज़्यादा गर्मी है and वो भी लगातार काम कर रही है, तो under certain scenarios you might face this issue कि जो आपके appliances हैं वो ठीक से काम ना करें, जैसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो काम करेंगे, हो सकता है वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी आपको ना दें, या हो सकता है काम करना बंद कर दें या खराब हो जाएं. एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में दिस इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी. डू हार्ड ड्राइव स्टॉप वर्किंग इफ यू डोंट यूज देम फॉर अ लॉन्ग टाइम? आई हैव अ हार्ड ड्राइव दैट जस्ट वोंट वर्क. आई एम यूजिंग इट आफ्टर 6 इयर्स. सी, आई वुड रिकमेंड कि आप अगर एक हार्ड ड्राइव यूज करते हैं ना, यू पीरियोडिकली प्लग इट इन और आप उसको यूज करते रहें, बिकॉज 6 years टू बी ऑनेस्ट इज अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन. सेकेंड थिंग इज बिकॉज हार्ड ड्राइव्स दे आर अ मैकेनिकल डिवाइस, जहाँ पे मूविंग पार्ट्स होते हैं, चीज़ें स्पिन करती हैं, तो हो सकता है ओवर टाइम बिकॉज ऑफ डस्ट या मे बी सम अदर ब्रेकडाउन वो मैकेनिकली अगर काम नहीं कर रही है, एंड दैट्स द रीजन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर हार्ड ड्राइव. सो गाइज, दे यू हैव इट, दैट्स एवरीथिंग इन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ योर फेवरेट गैजेट शो गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. एंड आई मीन बड़ा मजा आता है, नो, व्हेनेवर आई एम आउटसाइड ऑफ द स्टूडियो, कहीं जब ट्रैवल करते हैं फॉर सम स्पेशल इवेंट, एंड आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द वेन्यू. कुछ ऐसे मैंने इस बार भी किया है. इज लेट मी नो व्हाटएवर इज योर फीडबैक. आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ सुझाव होंगे, व्हाटएवर द केस माइट बी, यू नो द एड्रेस, इट्स प्रीटी इजी, tg@ndtv.com. आई एम गोना रीड ऑल योर ईमेल्स. मेरी टीम सबको पढ़ने वाली है, मैं भी ध्यान से पूरा पढ़ता भी हूँ और आपको उनके जवाब भी देता हूँ. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आप इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, बिकॉज नेक्स्ट वीक इट्स गोइंग टू बी इवन मोर फन विद इवन मोर गैजेट्स स्ट्रेट इन दिस शो, विच इज अगेन वंस मोर योर फेवरेट गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीक्स एपिसोड. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक. हैव अ गुड डे.